हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। आपका क्वेश्चन है, अ कॉइल हैविंग एंटर्स इज वाउंड टाइटली इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल विद इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी। एक कॉइल है जिसमें कि आपको इनर रेडियस और आउटर रेडियस दिया है। जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकालने के लिए सिंपल एक कॉइल है, एक ही रेडियस है। यहाँ पर आपके सामने दो दो रेडियस गिवन है, ए एंड बी। इनर रेडियस ए है एंड आउटर रेडियस बी है। करंट इसमें आई पास कर रहा है एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब यहाँ देखो, ये है आउटर और ये हो गया इनर, राइट। ये सेंटर है। अगर हम यहां से देखें तो ये डिस्टेंस हो गया ए, ये डिस्टेंस ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। तो थिकनेस ऑफ द क्वाइल जो है, थिकनेस ऑफ द कॉइल, ये पूरी की पूरी कॉइल है, कॉइल से तो थिकनेस कितना है, बी माइनस ए। थिकनेस ऑफ कॉइल इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, राइट। अब हमने सपोज कर लिया कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल्स टू एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पर यूनिट विड्थ कितना हो जाएगा, एन अपॉन बी माइनस ए, और इसको हमने मान लिया डी एन। ये आ गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हमने क्या करा, इसके अंदर एक इमेजिनरी सर्किट लिया और इसके विड्थ को हमने dx ले लिया, इसके विड्थ को dx एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ जो है n अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ विड्थ कितना है, dx विड्थ है, तो हम क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा डी एन डैश मान लिया इसको, n अपॉन बी माइनस ए इंटू क्या dx। ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स हो गया किसमें, dx। As we know, the magnetic field at the center, dB is equals to mu naught I n होता है, तो n की जगह क्या रखेंगे हम लोग, dN dash upon 2R, R की जगह पर क्या आ जाएगा, X, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फॉर गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो इंटीग्रेटिंग dB का इंटीग्रेशन B हो जाएगा म्यू नॉट आई और टू कांस्टेंट हैं,
म्यू नॉट आई अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, और ये आ गया आपको dN dash upon x, राइट। अब dN डैश की वैल्यू यहां से रखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन टू n upon b माइनस ए, राइट, एंड dx अपॉन x। और b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू, n को भी हम बाहर ले लें, b माइनस ए को भी, और आपका बचेगा dx अपॉन x, राइट। और b इज इक्वल्स टू, यहां पर x के लिए लिमिट क्या लेंगे हम लोग, लोअर लिमिट a, यहां से यहां तक जो है ये a है, ये लोअर लिमिट हो गया, और ये जो है ये b है, ये अपर लिमिट। सो a टू b, और b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन अपॉन टू बी माइनस ए log x, राइट, एंड लिमिट इज a एंड b। और b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन अपॉन टू बी माइनस ए log b अपॉन a। दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट बिलो, एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।